नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कुमारी, सुश्री व श्रीमती में क्या अंतर है। तो बढ़ते हैं जानकारी की ओर। कुमारी, सुश्री और श्रीमती तीनों का प्रयोग स्त्रियों के नामों के साथ किया जाता है। सबसे पहले देखते हैं कुमारी। तो कुमारी का प्रयोग ऐसी बालिकाओं के नामों के साथ किया जाता है जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है। 18 वर्ष से कम की स्थिति में बालिकाओं या लड़कियों के नामों के पहले कुमारी का प्रयोग करते हैं। बढ़ते हैं सुश्री की ओर। तो सबसे पहले देखते हैं सुश्री का हिंदी अर्थ। तो सु का अर्थ होता है अच्छा, श्री का अर्थ होता है लक्ष्मी या वैभव, अर्थात अच्छी अच्छी लक्ष्मी से युक्त स्त्री। सामान्य शब्दों में कहें तो सौभाग्यवती महिला। सुश्री का प्रयोग ग्रामर की दृष्टि से देखें तो विवाहित व अविवाहित दोनों महिलाओं के नामों के साथ किया जाता है, किंतु वर्तमान में रूढ़िवादिता के कारण सुश्री का प्रयोग अविवाहित महिलाओं के नामों के साथ 18 वर्ष से अधिक की उम्र में किया जाता है, जो कि रूढ़िवादिता के आधार पर है। ग्रामर की दृष्टि से विवाहित और अविवाहित दोनों के साथ सुश्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। बढ़ते हैं श्रीमती की ओर। तो श्री का अर्थ लक्ष्मी, मति का तात्पर्य युक्त, अर्थात लक्ष्मी से युक्त महिला, इसलिए घर की जो महिला होती है उसे लक्ष्मी कहा जाता है। तो श्रीमती का प्रयोग ग्रामर की दृष्टि से विवाहित व अविवाहित दोनों महिलाओं के साथ किया जा सकता, किंतु रूढ़िवादिता व प्रचलन के आधार पर देखें तो श्रीमती का प्रयोग विवाहित महिला के नाम के साथ किया जाता है। अब एक शब्दों में तीनों में अंतर देखते हैं। कुमारी का प्रयोग 18 वर्ष से कम की स्थिति में स्त्री के नामों के साथ, सुश्री का प्रयोग 18 वर्ष से अधिक महिला के नाम के साथ जिसकी शादी नहीं हुई हो, श्रीमती का प्रयोग 18 वर्ष से अधिक महिला के नामों के साथ जिसकी शादी हो चुकी है। नमस्कार।